हे गाइस दिस इज़ मी सिमरन वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरमेकोगा सो गाइस ये लुक मैंने रक्षाबंधन के लिए क्रिएट कराया है और ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि इसमें मैंने कुछ कम प्रोडक्ट यूज़ करे हैं मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतने कम प्रोडक्ट यूज़ करे हैं और ये बहुत ही ईजीली क्रिएट हो गया था इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरा आई मेकअप आप देखना सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्किन को प्रेप करने के लिए गुड वाइब्स का टोनर ले रही हूँ रोजिप का इससे मेरा बेस बहुत अच्छा लगेगा मेरी स्किन पूरी प्रेप हो जाएगी मॉइस्चराइज हो जाएगी और जो भी डिहाइड्रेशन की कमी होगी फेस पे वो भी कंप्लीट हो जाएगी सो इससे बेस आपका बहुत ही ज़्यादा बेटर बनता है और बहुत अच्छा बनता है फ्यू सेकेंड में ड्राई हो जाता है देन स्किन को नरिश करने के लिए मैं यूज़ करी हिमालयन की वाइट डे कॉम्प्लेक्शन क्रीम तो इसका ना बहुत क्रीमी क्रीमी जैसा था मतलब फेस कलर होता है ना सेम एज़ इट इज़ वैसे था इसकी एक लेयर मैं अप्लाई कर लूँगी अच्छे से पूरे फेस पे और ये बिल्कुल हल्का सा एक वाइट टिंट देता है ऐसा नहीं है इससे बहुत ही ज़्यादा गोरा हो जाता है फेस सो so, अच्छे से नरिश हो जाता है फेस सो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करी हूँ लेक में का फाउंडेशन ये मेरा नेचुरल शेड है जीरो फ़ोर और ये बहुत ही ज़्यादा, ज़्यादा लिक्विड ही है और मतलब ऐसा होता है बिल्कुल ब्लेंडेबल फाउंडेशन है बिल्कुल लाइट वेट है कोई भी आपके फेस पर ऐसे हैवीनेस नहीं होगी बट मैं बहुत टाइम बाद मेकअप करी तो मुझे थोड़ी सी आँखों में आंसू आ रहे थे पता नहीं क्यों ये हो जाता है नेचुरली स्किन के साथ सो so, ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो रहा था मतलब बिल्कुल ऐसा लिक्विड ही था ना ये बिल्कुल ऐसे फेस पे ब्लेंड हो रहा था पता ही नहीं चल रहा था एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही थी और जितना अच्छे से आप ब्लेंडिंग करोगे उतना आपका बेस फॉलेस लगेगा और नेचुरली और धीरे धीरे बिल्कुल ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है फेस पे सो so, आपको पूरा एरिया कवर करना है और आप कंसीलर नहीं भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा आप इसका एक और लेयर लगा के से अच्छे से ब्लेंड कर लेना तो एक कंसीलर का भी काम करेगा और इसको अच्छे से सेट से करने के लिए मैं ये यूज़ करी लेकमे का लूज पाउडर मैं अच्छे से लूज पाउडर को अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि थिकनेस की प्रॉब्लम होगी या मेरा आई शेडो गिरेगा तो मैं उसे बाद में साफ कर लूँगी एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं पूरे फेस को सेट कर लूँगी देन आइज के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करा है एस आर एफ का आई शेडो पैलेट इसमें बहुत ही अमेजिंग शेड थे मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट करा था सो so, इसको मैं इनर कॉर्नर से अप्लाई करूंगी अपनी अवफ क्रीज़ पे अपनी अवअ क्रीज पे मैं ऑलमोस्ट मतलब जो होता है ना ट्रांजिशन शेड ही यूज़ करने चाहिए जिससे आपकी जो अवअ क्रीज है अच्छे से डिफाइंड हो जो भी आप इशारों लगाओ तो वो पॉप ऑप आप आपका बाहर दिखे सो नेक्स्ट नॉर्मली मैं यहाँ पे एक जो ब्लाइट ब्लैक कलर का शिमर शेड था इसे प्लेस करना था मुझे सो so, आप इसे जब प्लेस करोगे तो बहुत ही ध्यान से प्लेस करना क्योंकि ब्लैक आई शेडो कहीं पे भी हल्का सा लग जाए तो पूरा ख़राब हो जाता है सो so, आप इसे ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो और ये फिंगर की हेल्प से मैंने अप्लाई करा था देन फिर मैंने एक ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था तो ऐसे क्रिएट हुआ था तो मैंने दोनों आँखों में कर लिया और काजल के लिए मैंने यहाँ वेगा का काजल यूज़ करे थे वाटर काजल है सो ये बेस्ट है और ब्लश के लिए मैंने नॉर्मल में पे लिपस्टिक पड़ी थी एक पिंक पिंक की लोकल मार्केट से ली थी मैंने सो so, इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस पे और ये बहुत ही एक रोज़ टाइप नहीं होता लाइट पिंक रोज वैसे आपके चिक पे ग्लो देता है और बहुत ही सटल लग रहा था बिल्कुल नेचुरल एंड मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही थी एरियस का मस्कारा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी आई को कर्ल कर लूँगी देन मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी तो वो एकदम से ईजिली लग जाएगा और मेरी आई एकदम से कर्ल हो जाएंगी और डिफाइंड हो जाएगी और मैंने कोई भी फॉल्स आई यूज़ नहीं कर रही है अगर हाँ आप कहीं जा रहे हो कोई पिक्चर वगैरह क्लिक करनी है तो आप फॉल्स आई भी यूज़ कर सकते हो वरना विदाउट फॉल्स आई के भी बहुत ही अमेजिंग लग रहा था सीरियसली और जो थोड़ा बहुत अप डाउन है वो मैं ठीक कर लूँगी जैसे आइज़ में थोड़ा सा हो जाता है ब्लैक स्मोकी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी देन हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करा है स्वसबीडी का हाइलाइटर ये थोड़ा सा पिंकिश में मैंने यूज़ करा था आज पिंकी पिंकी मतलब होता है ना कभी कभी पिंकिश करो तो बहुत अच्छा लगता है मेकअप बहुत ही लाइट पिंक लग रहा था जो मैंने हाइलाइटिंग करी थी वो भी पिंक पिंक हो गई थी क्योंकि मैंने मिक्सअप करके करा था और लिप्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने लिप लाइनर ली है मीनाओ की ये आपको किसी भी लोकल स्टोर पे मिल जाएगी इसे मैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल है इससे मैं अपने लिप्स पे एक शेप बना लूँगी जिससे लिपस्टिक अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्योंकि कभी कभी लिपस्टिक लगाने में भी प्रॉब्लम आती है सो so, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कर लिया है मैंने आप लिप लॉस भी यूज़ कर सकते हो इसमें वरना कोई लिप शेड भी यूज़ कर सकते हो तो मैंने यहाँ पिंक लिप शेड यूज़ करा था और दिस इज़ द फाइनल लुक आप अपना ड्रेसअप चेंज कर लो देन हल्का सा जैसे आपको हेयर स्टाइल करना है आप वैसे कर सकते हो और ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा था सीरियसली और बहुत ही क्विक है ऐसा नहीं है काफ़ी टाइम लगेगा दो मिनट में क्रिएट हो जाएगा और बिल्कुल सेकंड लगेंगे आई लुक क्रिएट करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने दो ही शेड यूज़ करें मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बाय टेक